तो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और यार तुम मुझे गाली दो उससे पहले मैं ये तुम्हें बता देता हूँ कि यार सीन क्या हो रहा है। देखो यार, हाई कोर्ट चालू हो चुके हैं, काम धंधे चालू, मतलब मैं एज अ इंटर्न जाता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं एक लॉयर हूँ, बट हाई कोर्ट चालू हो चुके हैं और इंटर्नशिप चालू हो चुकी है मेरी। तो ऐसा है कि मुझे वहाँ पर टाइम देना पड़ता है थोड़ा, और वो ज़रूरी है जाना क्योंकि वो कैरियर है भाई। और लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं कैसे वीडियो रिकॉर्ड करूँ, कैसे करूँ, बहुत डिले होते जा रहा था। तो बट चलो वो सब ठीक है। बट अब एक चीज़ मैं बताता हूँ, देखो मैंने ना क्या किया है, मैं 2 टाइम अब जिम जाना चालू किया हूँ। तो मैंने अपना स्केड्यूल ऐसा किया, पहले मेरा स्केड्यूल ये था 9 बजे से लेके 5 बजे तक हाई कोर्ट पे, 5 बजे से लेके 8 बजे तक अपने वहाँ पे ऑफिस पे, और फिर 8 बजे से लेके 10 बजे तक मैं जिम। भाई घर ही 10 बजे आ रहा हूँ मैं रात को 10:30 बजे जिम के बाद, तो थकान इतनी हो जाती है ना कि कुछ करते नहीं बनता है। बट अब सुनिए, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ऐसा करने वाला हूँ कि मैं सुबह सुबह जाऊँगा अपने जिम। स्टोरी कंटिन्यू करेंगे, पहले मैं बता रहा था, मैं सुबह जाऊँगा 6 बजे जिम, 7 7:30 बजे मैं आ जाऊँगा घर। उसके बाद 7:30 से लेके 9:30 बजे तक मैं बनाऊँगा वीडियो, वीडियो बना के मैं करूँगा उसको पोस्ट। शाम को ही 7:30 के टाइम पे हमेशा वीडियो आएगी। और उसके बाद में क्या बोलते हैं, वही जो अपना डेली रूटीन है। तो आपको वीडियो रेगुलर मिलनी मिलेगी, बट मैं ट्राई करूँगा कि रेगुलर दे पाऊँ, और कुछ नहीं। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं गेम प्ले। अच्छा एक और बात, मेरे को क्या है ना यार, मेरे को डीजे का भी शौक है, मेरे को रील्स वगैरह और वो सब वीडियो एडिटिंग का भी शौक है, मेरे को मतलब मेरे को बहुत सारी चीज़ों का शौक है पता है। तो दिक्कत ये है ना यार कि मेरे को डीजे भी बनाना है, ठीक है, मेरे को WWE की वीडियो भी बनानी है, मेरे को ये भी करनी है, मेरे को वो भी करनी है, मेरे को म्यूज़िक भी बनानी है। एफएल स्टूडियो सुना होगा मैंने, म्यूज़िक भी बनानी होती है, फिर उसके बाद मेरे को वीडियो बना के एडिट करके डालनी होती है। मेरे को मतलब ना मेरे को ना मैं एक चीज़ पर ही टिकता, मेरे को जिम भी जाना है, मेरे को सिनेमाटोग्राफी भी करनी है, मेरे को एक्टिंग भी करनी है, मेरे को यूट्यूबिंग भी करनी है, मेरे को हर एक चीज़ करनी है। सो गाइस सीधा ऐसा हो जाता है ना मेरे साथ में कि मैं चाह के भी ना वो सारी चीज़ें तो कर लेता हूँ, बट वो बोलते हैं ना हॉबी के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है। अब क्योंकि अब देखो हाई कोर्ट स्टार्ट हो गया, इंटर्नशिप स्टार्ट हो गया, तो ये सब चीज़ में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बट सोचो ना यार कि दिन भर मेरा उसी में जा रहा है, ऊपर से रात का टाइम बहुत प्रोडक्टिव है मेरे लिए, क्योंकि रात के टाइम मेरे को नींद नहीं आती जल्दी से, ये मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, मेरे को आजकल नींद नहीं आती रात के टाइम। ओ भाई साहब, अरे ये तो लैडर मैच है यार। ओके लोग कितने हैं मेरे को बस ये बता दो, ज़्यादा लोग होंगे तो मैं नहीं कर पाऊँगा फिर। चलो मिलिन सर आ गए। तो क्या है ना यार हॉबीज़ के लिए तो मेरे को टाइम मिल नहीं रहा है, बट फिर भी मैं एटलीस्ट ट्राई करूँगा कि मैं यूट्यूब पे वीडियो तो बनाऊँ। देखो लास्ट में कांड करने की आदत है। चैम्पियन है कौन, मैं भूल गया, इतना इतना पहले खेला हूँ ना मैं कि मैं भूल गया कि मैं चैम्पियन था कि वो सामने वाला है। चलो अनाउंस तो हो ही जाएगा अभी, टोमासो है शायद, टोमासो है, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है लास्ट में कुछ टीम पास जरूर होगा। अरे आराम से जीत जाऊंगा मैं ये मैच, आराम से जीतने वाला हूँ मैच, क्योंकि दो लोग हैं ना यार। मेरे को लगता है ये भी शायद मैंने ही डिसाइड किया था, मैं अभी ना रिंग के बाहर चला जाऊंगा मस्त। टोमासो को मैं तोड़ने दूंगा 8 बार में से 6 बार, उसके बाद मैं आऊंगा लास्ट में। चलो तोमासो भाई, मिलिन सर बाद में आएंगे। अरे यार इसको लड़ना ही है क्या, आ जा रिंग में आ जा। चलो कम से कम लैडर तो ला दूं। हाँ लैडर ला। अरे 2K22 खेल रहा हूँ मैं भी भूल गया यार, ये इतना स्मार्ट नहीं है इसका। ओ तोमासो, तोमासो भाई आपके लिए, भाई को ऐसा लगता है इसको लड़ना ही है, जाओ फिर। तो अब क्या कर सकते हैं, मिलिन सर को तोड़ना ही पड़ेगा ना यार। अरे यार मैं लगाना भूल गया लेटर को, कैसे लगाना, चला जा बाहर, चला जा, लेटर लगाना भूल गया क्योंकि मैं। अरे लेटर कैसे लगाते हैं, ओके बन गया, चलो कोई नहीं, डिसअपॉइंटमेंट हो मैच चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बाहर जाओ फिर से, तुम अंदर क्यों आए, बोला ना बाहर रहो। चलो गाइस इट्स टाइम, अरे चढ़ना भाई मिलिन सर,
पूरे कंट्रोल भूल गया हूँ मैं। चलो हेड बट हेड पे मारा है बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच गाइस, आई नो डेट वॉज ऑसम। अरे यार ये 2K22 की यही चीज तो बकवास है। यही चीज तो बकवास है 2K की 22 की मतलब। एक फिनिशर दे दूंगा ना तो बढ़िया होगा, बट फिनिशर लाना भी पड़ता है ना, ऐसा नहीं हवा में आ गया। रियर WWE तो चल नहीं रही है ये। एक बार ये स्टंड हो जाए यार। ओके कोई नहीं भाई, तू आठ बार नहीं सॉरी आप तोड़ दो टोमासो भाई, आपका वैसे भी बॉल गेम बहुत ख़राब है देख के समझ आ रहा है। और ये मिलिंद सर को मैं रेजिलेंस यूज़ नहीं करना चाहता। आराम से भाई, आराम से तोड़ो, आराम से एक और तोड़ लो, मारो मारो। अरे मारो ना, मेरे लिए इजी हो जाएगा पता है। ये 5-6 बार तोड़ देना, उसके बाद 2 बार मेरे को तोड़ना है बस। देखो बॉल गेम कितना ज़्यादा बकवास है टोमासो का। चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बस अब मेरी बारी है बेटे, मेरी बारी आन दे। अरे मैं टेढ़ा कहाँ चला गया। नाउ इट्स टाइम। अरे टोमासो भाई यार क्या कर रहे हो। अरे गजब स्टंट हो गए भाई साहब। इसका तो मैं फुल फायदा उठाऊंगा, क्या है मैं AI तो हूं नहीं। सुपरमैन पंच क्रिप्टोनाइट इनसाइड। मेरे को लगा ही था ये वाला सारा रिवर्स होता ही है। अरे यार रिवर्स हो जाता है, यही तो दिक्कत है, एक दो बार के बाद रिवर्स करते हैं लोग। मेरे को लगता है गलती कर दी है, मेरे को रीस्टार्ट कर लेना चाहिए मैच। फिनिशर नहीं मैं कसम से, हाँ मेरे को पता था मैं रिस्टार्ट करूंगा मैच, मेरे को पता था ये दिक्कत, अगर ये दिक्कत हो गया मेरी गलती है, मैंने इसको इतना इतना टाइम क्यों दे दिया। हाँ करो करो टोमासो सर, ये बहुत अच्छा कर रहे हो। यार इस बार जीतना ही है ना कैसे भी, मेरे को चैंपियनशिप सीरीज की बात बता रहा हूँ साले। तेरे को तो पहले मैं मार दूंगा इस बार, मैं मारूंगा इसे। खुद ही को डैमेज कर लेता हूँ मैं यार। ये मूव ना, ये एप्रन स्प्रिंग बोर्ड वाले मूव्स मेरे को इतने पसंद है ना, लेकिन मैं खुद ही को डैमेज करता हूँ साले। अरे एक जगह ना, यस अटक गई लैडर, अटक गई, नाइस। अब लैडर अटक गई, अब लैडर कैसे निकालूं यहां से। आओ आ जाओ साले, पिछवाड़े में लात पड़ेगी। देखो अनरियल था लेकिन फिर भी चलो ठीक है। चलो बॉडी डैमेज कर दिया, मैं आता हूँ लैडर लेके भाई साहब। एटलीस्ट कोई तो लगाए लैडर यार, ये अलग चल रहा। वाह अभी यहाँ से लैडर नहीं जाएगी क्योंकि भाई साहब लेटे हुए हैं दरवाई करके। लेना भाई लेना, लैडर लगा ले यार, कुछ तो करना कुछ तो करना यार। ये क्या ऐसा क्यों लग रहा है, AI और चूतिया हो गई है इस गेम की। हाँ मतलब वही बोल रहा हूँ मैं, जितनी अच्छी 2K23 की कर दी है उतनी गंदी इसकी कर दी है। हाँ भाई भाई यही तो हम चाह रहे थे यार। AI ना कसम चुतिया गई है इस गेम की, यही तो करना था इतनी देर से। चलो भाई 5 बार का ऑप्शन देंगे तुमको,
क्योंकि मैं भी क्या हूँ ना, फेस प्लेयर हूँ। अरे भाई तुम्हारा बॉल गेम तो बहुत खराब है, ईगो हर्ट हो गया लगता है। एक बार और बुराई करूंगा तो शायद डाल। तुम्हारा बॉल गेम बहुत खराब है, बहुत ज्यादा खराब है तुम्हारे से। कर क्या रहे हो, चलो बस इतना काफी है। लो एक बार और डाल, बस अब नहीं, अब नहीं मौका। अब मैं ना मौका नहीं दूंगा, अब मैं जा रहा हूं ऊपर, अब मौका नहीं दूंगा मैं। यार ये चीज ना बहुत चुतियापा लगती है। अबे ये क्या कर दिया मैंने, गलत कर दिया। ये ग्लिच होती है ना ये गेम, तो दिमाग खा जाती है। तुम तो भोसड़ी, पहले जाओ बाहर भाई, मतलब लिटरली सामने में लेट जाता है यार ये बंदा। हाँ आप ठीक है, वाह मैं नहीं तोड़ सकता, वो तोड़ सकता है, मतलब कसम से यार ये नाइन साफी नहीं तो और क्या है। इससे ज्यादा ना इनडिस्क्रिमिनेशन नहीं देखा। एक तो कंट्रोल्स बदल देते हैं ये लोग गेम के। हाँ बहुत बढ़िया, मतलब इतना जो मेरा टाइम खाया है ना ये गेम कसम। मैं नहीं जा रहा नीचे, मैं नीचे तो नहीं, मैं बस रिवर्स करूंगा। धन्यवाद भाई, तूने लैडर नहीं तोड़ी, बहुत बढ़िया। तो मासो भैया जाओ तो बाहर। अरे नहीं जाओगे, खेलोगे मतलब। अब मैं ना साला ये चांस ही नहीं लेता, मैं सीधा यहाँ चढ़ूंगा। मतलब ना रोनठैया कर देती है ना गेम, तो दिमाग खराब हो जाए। थोड़ा सा कैमरा एंगल दिखा दो तो मैं उठा लूं। भाई सिंगल बची है यार, सिंगल बची है यार, ये मत करो यार, ये चीटिंग है यार। सिंगल बची है यार, ये गेम चीटिंग कर रही है यार मेरे साथ, ये गलत है। अबे उठा रहा छुतिए, देखो ये लेडर नहीं उठा रहे थे भैया अभी हमारे। रुक जाओ एक बार और, इसको बाहर फेंकना पड़ेगा, उसके बाद ही हो पाएगा जो होना। बस इसके अलावा अगर अब मैं नहीं उठा पाया ना, तो मतलब मेरे से ज्यादा ना धिक्कार रही है। अबे चढ़ जा, चलो भाई जीत गए अपन। यार इंटेंस हो गया था पर मैच कसम से, मतलब इतना इंटेंस नहीं होना चाहिए। शिट मेरा फोन डू नॉट डिस्टर्ब में था भाई, तीन चार कॉल्स आ गए मेरे को। अच्छा लास्ट टाइम मेरे को कॉपीराइट आया था इस म्यूजिक से, तो हो सकता है आने वाले कुछ वीडियोस में म्यूजिक को बंद कर दूं। लेकिन यार मैच ठीक था, एवरेज रहा होगा, मीडियोकर मैच दिया होगा पक्का पक्का। क्या है भाई मैं खेल रहा हूँ ना यार, तो समझो थोड़ा बात को। मैं खेलता हूँ ना, एक तो मेरी प्रैक्टिस चली गई पूरी, इतने दिन से मैं ऑनलाइन आया नहीं, इतने दिन से मैं आया नहीं। मेरे इंस्टाग्राम वगैरह पे चेक करोगे तो मैं ज़्यादा ऑनलाइन आ नहीं रहा था, अब जा करके थोड़ा सा एक्टिव हुआ हूँ मैं। अपग्रेड्स पॉइंट्स, ओ भाई साहब अपग्रेड तो करेंगे यार। अरे यार ये गेम लैग क्यों करती है समझ नहीं आता भाई, RTX लगा है उसके बाद। 51 चलो
ठीक है, कोई नहीं, चलो रोमन रेंस जितना भी नहीं ले जाएंगे, 100 पता चल रहा है, 100 हो जा रही है, चलो टॉप से क्लियर। एक्सेप्ट चैलेंज, अरे यार अभी मिले हैं, अच्छा ये अभी मिला नहीं है, ये जीतने के बाद मिलेंगे, कोई नहीं, डॉव जिगलर जैसे को तो अपन ऐसे ही हरा सकते हैं यार, जानते हो। हाँ लेकिन प्रैक्टिस चलेगी ये गेम की, ये भी बता दे रहा हूँ, मेरी प्रैक्टिस जा चुकी है, तो अगर मैं हगा तो समझ जाना कि हाँ भाई कोई तो दिक्कत है, क्या करें भाई, प्रैक्टिस लगती है यार हर चीज़ में। मैं हाई कोर्ट नहीं गया उतने दिन से, मैं भूल गया ऑड नंबर इवन नंबर की कोर्ट्स कहाँ पे है, क्या है कैसा है, ऑफिस वगैरह जाना है, भाई दिमाग से निकल जाती है यार चीज़ें, क्या बोलूँ, समझो ना। अभी मैं सुबह 7 बजे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए अपलोड कर सकूँ हर दिन सुबह सुबह। सारे शराबी वीरानू शराबी प्रणाम, I'm here to show the world। बस इससे ज़्यादा सुनाऊंगा तो WWE वाली कॉपीराइट ही नहीं, पूरा वीडियो ही हटा देंगे मेरा। अगर सबमिशन मैच चाहिए कोई बात नहीं, अब मेरी आदत क्या है ना, मैं किक विक बहुत मारता हूँ, छोटे बच्चों टाइप खेलते जैसे PS2 में खेलते थे ना, PS2 में खेलते थे ना जैसे, वैसा खेलता हूँ मैं। स्टंट करके मारने का तो अलग मजा है भाई, बस अब मैं मारूंगा सबमिशन, सबमिशन नहीं सॉरी, मतलब अब मैं करूंगा डैमेज, बस अब नहीं, हराम खो, अरे नॉकआउट हो गया, अरे मतलब नॉकआउट से भी जी सकते थे, अच्छा KO ऑन था, सही है यार, एक एक फिनिशर में हार गया, मतलब बढ़िया यार, मजा आ गई। ये तो मीडियोकर से भी नीचे, एवरेज से भी नीचे मैच था यार ये, बट अच्छा लगा, मतलब नॉकआउट भाई, एक फिनिशर में नॉकआउट हो गया, क्या है सबमिशन से मैं जीत सकता हूँ, पर दिक्कत क्या है ना सबमिशन की, एक प्रॉब्लम है जो PS5 का कंट्रोलर है ना, उसके कंट्रोल्स इसमें गलत दिखाते हैं, और 4 के कंट्रोलर में मज़ा नहीं आता, 5 में स्मूथ चलते हैं गेम्स, 4 में उतने स्मूथ नहीं चलते गेम्स, कुछ तो भी है इसका मतलब, अब लॉजिक तो तुम्हें भी समझ में नहीं आएगा बट है तो है यार। नो पहले मैं अपने आप के अपग्रेड्स करेंगे, देखो अवेलेबल पॉइंट्स हैं, अपग्रेड तो मिलने चाहिए यार, क्या बात कर रहा हूँ, यार ये गलत चीज़ है, अपग्रेड मिलना चाहिए, तो 41 की बात हुई थी, मिला ठेंगा, कोई नहीं, WWE है, अगर ये नहीं तो कौन। 2K23 में यही चीज़ सही है, GTA 5 से ज़्यादा जो लोडिंग का टाइम है ना 22 में, वो 23 में फिक्स कर दिया है इन लोगों ने, बट क्या ही कंप्लेन करें 2K वालों से, मतलब पहले से तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड गेम बना रहे हैं अब, पहले मतलब 2K20 तो ऐसा डिजास्टर बनाया हुआ था कि मतलब मैं सोचता था कि भाई मैंने मैंने इस चीज़ के लिए पैसे दिए हैं, लिटरली ऐसा लगता था कि क्या खेल रहा हूँ मैं, ये 2K20 सक्स यार, मतलब मैं एक बार को 2K17 खेल लूँगा, 15 खेल लूँगा, बट 20 नहीं, 20 नहीं, उसका भी पोस्टर रोमन का ही था ना, रोमन ही शायद 2 बार बन चुके हैं ना, अबे इस पर तो मैं सबमिशन नॉकआउट ये सब, अच्छा 2-3 मैचेस जीतने के बाद में वो 41 मिलेंगे शायद, एरिक हाँ, लेकिन दिक्कत ये है ना कि मैं भी नॉकआउट हो सकता हूँ ना, याद रखना, लेकिन वही है पहले पीटो फिर से ट्राई करूँगा कि एक फिनिशर में नॉकआउट हो जाए,
मतलब नहीं, एक सिग्नेचर लगा था, एक फिनिशर लगा था ना। चलो रिवर्स कर दिया मैंने, दिखाता नहीं है यार ये वाला रिवर्स, दिखाता है मतलब ये नहीं दिखाता कि मैंने रिवर्स किया जल्दी से। एक दो किक का मेहमान है, नहीं तो ये स्टंड हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया मेरा एक दोस्त है जो स्टंड को शंट बोलता है, शंट। मैं लात मार मार के डैमेज करने में माहिर हूँ, जब स्टंड का फुल फायदा उठा। अरे ये क्या हुआ, रिवर्स करके देखना तो ये। उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ सर, उठ जाओ। कहाँ ये, कहाँ ये, कहाँ दे दिए सर। और ये रिवर्स हो गया। ये क्या मूव था, दिखाया तो ऐसे सिग्नेचर विग्नेचर कुछ हो, लेकिन अभी अच्छी बात है कि मेरे पास में जो है वो है, इसके पास में वो नहीं है। मतलब मैंने सिग्नेचर फिनिशर के बाद पता नहीं क्या बोला मैंने अभी। आओ इसको सबमिशन दे के ही ट्राई करें। जो भी था मैंने बहुत अच्छा रिवर्स कर दिया। चलो लेट्स ट्राई। चलो छोड़ देता हूँ, क्योंकि क्या है मेरे पास में आ चुका है क्या। ओ भाई चलो सबमिशन से जीता ये वाला मैच। चलो कम से कम थोड़े बहुत कंट्रोल तो पता है। मतलब मैं क्या करता हूँ, पीसी और PS4 में डिफरेंस है ना, प्लेस्टेशन और पीसी में डिफरेंस है। इस पे क्या होता है ना कि तुम दबा के रखे रहो तो काम करता है, पीसी में ना टैप 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 करता है। अब रैपिड टैप ना पिनफॉल के टाइम पे मजा आती है, बट पीसी में ऐसा होता है ना यार कि रैपिड टैप के साथ दबा के रखना पड़ता है, तो तुम्हारे ऊपर नहीं है पीसी में पिनफॉल, लेकिन पिनफॉल करने में प्लेस्टेशन में मजा आती है और सबमिशन में पीसी में मजा आती है। जस्ट होल्ड करके रखो, टैप टैप वाला सिस्टम ही नहीं है पीसी में, बट टैप सिस्टम इज बेटर क्योंकि प्लेस्टेशन में मैंने खेला हुआ तो बेस्ट है वो वाला। तो यार उससे बेटर मतलब कुछ नहीं है। चलो भाई अपन को पॉइंट्स तो मिल नहीं रहे हैं वैसे भी, तो उससे अच्छा चलो मैच ही कंटिन्यू करते हैं। बट ये है यार कि चलो जीत रहे हैं अपन, ये तो नहीं है कि बेइज्जती करा रहा हूँ मैं। अच्छा प्रेस ए टू हैवी अटैक। यार ABXY ये है ना प्लेस्टेशन, ये प्लेस्टेशन के छोड़ के एक्सबॉक्स से कंट्रोल क्यों दिखाता है यार। सस्ता कंट्रोलर नहीं यूज़ करता यार मैं, PS5 का कंट्रोलर रखा हूँ भाई, 6,000 का कंट्रोलर है ये। एंट्रेंस अब ना मैं ऑफ कर दूंगा सेटिंग्स में। ओ शेन मैकमैन है क्या अब, तो मैं अब एंट्रेंस ऑफ कर दूंगा सेटिंग्स में, आपको नहीं दिखाऊंगा, मत टेंशन लो, वेट नहीं कराऊंगा आपको। भाग भाई ये क्या हो रहा है, मतलब क्या ही अंधेधुन टाइप के हो रहे थे, समझ ही नहीं आ रहा था कुछ। जब कुछ ना हो तो मून सॉल्ट दो। सदा कुछ हुआ नहीं इसे। पावर बॉम्ब और शेन सर कैसी लगी, अभी हड्डी चटकने की आवाज सी आई ना। ओ अब तो मौका मिला है, अब तो मैं भड़ा भड़ कूदूंगा, क्योंकि क्या है ना अभी शेन सर है स्टंड, लेकिन यार ये ना बहुत अच्छा इफेक्ट बनाया है। देखो स्टंट हटने के बाद ना एक दो बार इन लोग रिवर्स कर ही देते हैं, इसलिए मैं रिस्क नहीं लूंगा फिनिशर देने का, जैसा कि मैंने कहा था नहीं किया इस बार, बट कर देते हैं।
Here comes the money. Here we go. Here comes the money, money. देखो जैसे कि मैंने बोला ना, एक सिग्नेचर के बाद रिवर्स तो करेंगे ही करेंगे. अच्छा ये नॉकआउट मैच और सबमिशन वाला है. स्टंट का फुल फायदा उठाया गया. उठो ना सर, कहाँ क्या करना चाह रहे हो. एक ठोक सिग्नेचर तो आपके पास आया नहीं है अभी तक. ओ भाई साहब, ये अब मैं मून सॉल्ट मार मार के जीतूंगा भाई. चलो एक सेकंड रुक जाओ, मैं एंट्रेंस ऑफ कर देता हूँ क्योंकि ये इरिटेट कर दे रही है अब सबको, मेरे को भी आपको भी. ओके तो गाइस एंट्रेंस मैंने कर दी है ऑफ, और अगर इसके बाद भी तुम्हें एंट्रेंस दिखे तो ये समझ जाना कि वो कोई स्टोरी मोड आ रही है, मतलब वो स्टोरी मोड करते ही हैं गेम वाले. 15 पॉइंट्स और है, बट अपन अब हर चीज़ को लेके चलेंगे ना यार साथ में. ऐसा नहीं कि अपन एक ही साइड पे पैसे लगा दे रहे हैं, अपन हर एक चीज़ अब सब 22 पे 22 23 22 23 ऐसे करें. अब देखो ओवरऑल 92 है अपना, 95 से ऊपर कर लेंगे तो अपन रोमन के ऊपर हो जाएंगे. तो चलो गाइस नो स्टोरीज, लेट्स गो टू मैच. करना क्या है, ओके मेरे डीएम क्यों दिखा रहे हो लेकिन सबको, अगर ये डीएम है तो डीएम ही रहने दो. देखो मेरे को हील नहीं, मेरे को फेस होना. क्या हुआ, इंटरनेट के बिना चल रही है ये गेम, ये अटक गई क्या. ग्लिच हुआ क्या हुआ. हाँ ग्लिच हो गया था, देख रहे हो भाई 2K22 अभी भी ग्लिच हो रही है. मेरे को हील होना पड़ेगा क्या शायद. ओके डिफेंड. आई डू इट भाई, अपन सब करेंगे कापट एंट्री रैक्स. देखो फिर ग्लिच हुआ है, फिर ग्लिच हुआ है, फिर ग्लिच हुआ है सेंटर पे देखना. ओके ओके लेट्स गो लेट्स गो, वी गॉट अ मैच, मजा आएगी यार. देखो मिलिंद काबा की जर्नी 2K22 में और कौन ही दिखाएगा तुम्हें, क्योंकि भाई 2K23 पे मेरा इमेज अपलोडर काम नहीं कर रहा, और अगर अब वो काम भी करे ना यार तो मेरे को नहीं चाहिए. क्योंकि देखो उसका नो डाउट उसका मायराइज मोड, उसका AI, उसका सब कुछ अच्छा है, लेकिन क्या है ना फिर से मेरे सब इतनी मेहनत नहीं हो पाएगी कि एक प्लेयर बनाऊँ उसमें 1 घंटे में और उसके बाद में उसको अपलोड करते और ये वो करते रहो, तो समझ रहे हो ना चीज़ क्या होता है ना भाई, कंटिन्यूटी के नाम की चीज़ होती ना. अच्छा बैटल रॉयल है, हारूंगा मैं ये पक्के से हारूंगा, क्योंकि क्योंकि क्या है ना कंट्रोल ही नहीं है. मेरे को लगता है बैटल रॉयल उसके लिए है, चैंपियनशिप के लिए है. सबसे बेस्ट जो मैं कर सकता हूँ ना वो ये है बचने की ट्राई. हाँ बस ये है कि इनके बैटल रॉयल्स वगैरह कुछ है. चलो रॉबर्ट रूड, इतने रूड नहीं होते ना. डोंट टेल मी मैं समोआ जो को मारूंगा. लो चलो एलिमिनेशन ट्राई करके देखते हैं. साले रिकोसेट, सेठ जी के बेटे रिकोसेट भी एलिमिनेट. देखो 2K22 और 23 में एलिमिनेशन आसान है, लेकिन वो जो अगर मिनी गेम आएगा तो मैं शायद हार सकता हूँ, फिर बोल दे रहा हूँ. साले रूड, इतने रूड हो गया था तुम.
चलो बेटे बाहर, चलो बेटे बाहर हो ले ले। अरे रिवर्स करिए चाचा, चाचा रिवर्स करिए ना। ओ भाई मैं जीत गया। अरे भाई ये तो 2 मिनट में मैच खत्म कर दिया भाई मैंने, मतलब प्रैक्टिस है। देखो मिनी गेम आता ना तो मैं हार जाता, मैं खुद से बता रहा हूँ ये चीज़, लेकिन अगर मिनी गेम नहीं होता ना। अरे 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 रेमिस्ट्री, अच्छा टॉप सिग्लर जिगजैग, जिगजैग दे दिया, बट किस खुशी में। यही मेरे को लगा ही था कटसीन आया तो कुछ तो होगा, नहीं तो ऐसा कटसीन कभी नहीं आता। ऐसा कटसीन आया है या ऐसे स्टोरी आ रही है या एंट्रेंस अब दिखेगी तो समझ जाना कि कुछ कटसीन है। अबे कॉपीराइट पढ़वाओगे तुम लोग, मिलिंद सर का गुस्सा आ चुका है। क्या दिखाने आया दुनिया को तुम है? हील द सिगरेट, हील सिगरेट, हील सिगरेट फेस रिग्लर, हील नाम से ही है ना शायद, हील सिगलर। इसकी इंस्टा आईडी चेक कर दो, रिपोर्ट मार दूंगा फिर। हाँ हील सिगलर यही नाम से है, सिगलर AEW जा चुका है, अच्छा WWE में ही। ओके ओके States champion has to say before his title defense. You all saw what happened last week when Dolph Ziggler attacked me after the US Champion's Battle Royal. I guess he was a little upset he wasn't included and feeling overlooked in general. So, I promised Dolph that I'd come out here tonight and recognize some of the amazing moments from his career. So, let's start at the beginning, where Dolph proved he was special from day one, debuting in WWE as a preppy-looking golf caddy. How could anyone ever overlook that? Not wanting to become too big of a star. Even trying his hand at stand-up comedy in front of as many as 20 to 30 people. I think that's about enough of that. I'm going to tell you the truth about Dolph Ziggler. He's not given the credit he thinks he deserves because he has no identity. Cat. How can he be recognized if he can't even recognize himself? But here's the thing. I know who I am. And that's the United States champion who will kick anyone's ass who gets in my way. So, Dolph, after I'm through with my match tonight, you won't be overlooked. You'll just be next. Brock Lesnar को, Brock Lesnar को mark कर दिया ऐसा नहीं लग रहा। एक copyright लाने में चले होते हैं यार। क्या लग रहा है ये गेम वाले भाई, डायरेक्टली मैच स्टार्ट करो क्योंकि मैंने ना एंट्रेंस ऑफ कर दिया। अभी लोडिंग लेगी GTA 5, हमारी GTA 5 है ये, हमारे लिए तो GTA 5 है ये गेम भाई। चलो भाई एंट्रेंस, अरे रिकोशेट के साथ मैच क्यों? सबसे बढ़िया पता है रिवर्स करने से बेटर है, रिवर्स करने से बेटर ये ही है। विन मैच बाय पिन फॉर और सबमिशन, ओके। जस्ट वन स्टेप अहेड,
अरे यार गलत भाग दिया मैं, लेकिन गलत है, मैं भी मारा वो भी मारा, तो दोनों को एक साथ लगनी चाहिए ना, भली ग्लिच होके लग जाए। ग्लिच कई बार ग्लिच ना इतने अच्छे होते हैं ना कि गिरते हैं कहीं पे और स्लाइड हो जाते हैं, कुछ होता है, या एक साथ में इन लोगों को मारते हैं और एक साथ गिरते हैं, तो वो रियलिस्टिक ग्लिच हो जाते हैं कई बार। क्या यार, ये तो चीटिंग है ना, ये तो चीटिंग है ना यार। ब्लैकआउट अंडरटेकर से, अच्छा ये मैच मेरे को हारना ही था क्या? पीछे है डॉल्फ ज़िगलर यार, सामने से नहीं तो पीछे होगा। अरे ले ना भाई, हो गया ना गा, चल ना गा, ये डॉल्फ ज़िगलर करने क्या है ना, ये सब छोटी चीजों से मेरे फर्क नहीं पड़ता, बहुत ऊपर आ चुका हूँ मैं। रिकुशे के पास भी फिनिशर है तो बच के रहना पड़ेगा। ओ रेफरी ने देखा नहीं, अरे 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 गजब भाई, रियलिस्टिक रियलिस्टिक ग्लिच इसको बोलते हैं। रेफरी ने ना देखा नहीं, उसने रोप पकड़ी थी। मे भी अब इसको एक स्टोरी में कंटिन्यू कर दे, बट ज़्यादा उम्मीद लगा लिया। देखो टेक्निकल गुरुजी ब्लू टी शर्ट में, नेवी ब्लू में, अभी नहीं आएगा डॉल्फ ज़िगलर क्योंकि देखो कट सीन नहीं आई है, ये नॉर्मल सीन है। तो क्या है ना कि रियलिस्टिक ग्लिच इसी को बोलते हैं। मैंने बात की, और देखो ऐप ट्रैकिंग फेमस है आजकल, जो सोचो वो भी दिख जाता है मोबाइल में, बस वो चीज़ है। तो गाइस आज के लिए इतना काफ़ी करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और 7:30 बजे मिल जाएगी वीडियो। बाय बाय।